हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस सेवैया की खीर की रेसिपी देखेंगे। हम बिना शक्कर का इस्तेमाल करें ये खीर बना रहे हैं। आप चाहे तो शक्कर भी उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। अब उसमें हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। मैंने चॉप्ड बादाम, पिस्ता, चॉप्ड काजू, थोड़ा और चिरौंजी डाल दिया है। इन सब ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी घी में। अब मैंने उसमें डेट्स कट करके डाल दिए हैं। थोड़े से ज्यादा डेट्स डाल रही हूँ ताकि हमें शक्कर ऐड करने की जरूरत ना हो। डेट्स नेचुरल स्वीटनेस देता है। अब मैं फुल क्रीम मिल्क उसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो डेट सिरप आप उसमें डाल सकते हैं। डेट्स को अच्छे से उबाल के उसका पेस्ट बना लेना है और उसे छान के डेट सिरप बनता है, आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। या आप चाहे तो थोड़ा सा शक्कर या मिश्री पाउडर इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने काफ़ी डेट्स डाले हैं तो नेचुरली वो स्वीट बना है, इसलिए मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ। आपको इसे बस थोड़ा सा आटा लेना है दूध को। अगर आप जल्दी में हो तो आप 200 ml फ्रेश क्रीम, जो स्टोर बॉट फ्रेश क्रीम अवेलेबल होता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे आपका कुकिंग टाइम कम होगा। अब हमें दूध को 10 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उसको हटाना है, क्योंकि सेवैया जो है वो भी काफ़ी दूध एब्सॉर्ब करती है, गाढ़ी हो जाती है। आप चाहे तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है, वहाँ 10 मिनट तक ये अटते रहेगा। तब तक हम साइड बाय साइड सेवैया सेक लेंगे। अब सेवई को मैं अच्छे से घी में रोस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर आते तक हमें अच्छे से सेवई को रोस्ट कर लेना है। इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को। दूसरे बर्नर पे तब तक दूध उबल रहा है, तब तक हम सेवई को इस पे रोस्ट कर लेंगे। देखिए सेवई अब अच्छे से रोस्ट हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब जो हमने दूध उबालने रखा था, दूध उसमें ऐड कर रही हूँ। सेवई में रोस्ट होने को भी 8 से 10 मिनट लगते हैं और दूध उबलने को भी। अब सेवई को दूध में पकने को हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे, तब तक हमें इसे पका लेना है। जैसे जैसे खीर ठंडी होगी वो और गाढ़ी होती जाएगी। अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो आप थोड़ा सा दूध और डेट सिरप उसमें ऐड कर सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में हरी इलायची का पाउडर मैं उसमें डाल रही हूँ। आपके पास अगर केशर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसे ड्राई फ्रूट्स और केशर के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्रीमी विदाउट शुगर सेवैया की खीर। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। Thanks for watching.